नमस्कार, मैं नितेश गर्ग, न्यूज अपडेट देख रहे हैं आप। आपका बहुत स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर इस वक्त आप INS 24/7 में देखने वाले हैं। कहीं मत जाइएगा, कहीं और स्विच मत करिएगा, चैनल में यही स्टक रहिए। कांग्रेस प्रत्याशियों से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लेकर INS 24/7 आपके सामने आ गया है। प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी आपके सामने आ गए हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए, प्रतीक्षा करिए और जैसे ये वीडियो आपके पास आए इसे ज्यादा से ज्यादा पूरे प्रदेश में शेयर करिएगा। प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ेंगे और मध्य प्रदेश की सियासत से सबसे बड़ी खबर जो जुड़ी हुई है उसे आपके सामने बताएंगे, खास तौर पर प्रत्याशियों के संदर्भ में। तो हमारे साथ जुड़ गए प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी। सर, कौन सी वो खबर है, क्या है, सूची के संदर्भ में है, किस संदर्भ में, दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। निश्चित रूप से दर्शकों को बड़ी बेसब्री से इंतजार है नितेश, क्योंकि मैं अभी यात्रा पर चल रहा हूं मध्य प्रदेश के, इसलिए वीडियो के माध्यम से जुड़ना मेरा संभव नहीं हो पा रहा। तो खबर ऐसी है जिसके लिए हमें इंतजार नहीं करना चाहिए, तो फोन के माध्यम से ये खबर दर्शकों तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी चार सूची के माध्यम से 136 प्रत्याशी 230 में अभी तक दे चुकी है। वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक सूची के माध्यम से 144 प्रत्याशी मैदान में उतार दिए। भारतीय जनता पार्टी की पांचवी सूची का इंतजार है, लेकिन खबर ये आ रही है कि 20 तारीख को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी अपनी अगली सूची जारी करेगी। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसने प्रत्याशी चयन का काम काफी विलंब से शुरू किया, अब प्रत्याशी उतारने के मामले में कम से कम भाजपा से आगे निकल गए। 136 बनाम 144 का आंकड़ा था ही, अब दूसरी सूची भी कांग्रेस की कभी भी जारी हो सकती है। कल कांग्रेस की बैठक हुई केंद्रीय चुनाव समिति की, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रदेश तो मौजूद था। उसके अंतर्गत दर्जन सीटों के संदर्भ में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर नतीजे में पहुंच गई। 144 के बाद में तकरीबन 4 दर्जन प्रत्याशियों के संदर्भ में कांग्रेस नई सूची कभी भी जारी कर सकती है। इसमें जो सबसे बड़ी खबर है वो खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जो मुरैना जिले अंतर्गत तेमनी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ पार्टी ने आखिरकार प्रत्याशी चयन कर लिया है। जो सूची आएगी उसमें मुरैना से प्रत्याशी के तौर पर नाम दिखाई देगा, क्योंकि कल प्रत्याशी के संदर्भ में पार्टी ने नाम तय कर लिया है। सर, और क्या क्या अपडेट सर आई हैं? जैसा कि कल बैठक हुई थी उसमें एक चरण में बात नहीं बन पाई, फिर दूसरे चरण की बैठक हुई और फिर रात तक ये कवायद चलती रही। आपने कहा सर 4 दर्जन नाम आ सकते हैं, और क्या क्या सर इसमें दिग्विजय सिंह को लेकर जो उन्हें टास्क दिए गए थे, 64 सीटों की जो जिम्मेदारी दी गई थी उसमें 35 सीटें उनके हिस्से की अभी भी बाकी थी सर, क्या उनको लेकर भी कोई अपडेट हुई, उनको लेकर भी मंत्रणा हुई, और जो सीटें फंसी हुई हैं सर वो कैसे फंसी हुई हैं, उनको लेकर कब तक की अपडेट रहेगी? देखिए, अब जब पार्टी अपना फैसला लेगी, हम तो केवल तब अपने दर्शकों के बीच में जानकारी लेकर आते हैं जब पार्टी प्रत्याशी चयन के काम को अंजाम तक पहुंचा लेती है। हमारी जानकारी ये कहती है कि पार्टी 4 दर्जन की करीब प्रत्याशियों के संदर्भ में, मतलब 40 से 50 के बीच नामों को पार्टी के द्वारा अधिकृत रूप से जारी किया जाएगा, जो सूची आज कभी भी जारी होने की आप उम्मीद कर सकते हैं। जिसमें सबसे बड़ी खबर यह है कि नरेंद्र सिंह तोमर के संदर्भ में पार्टी ने प्रत्याशी तय कर लिया है और वो नाम रविंद्र सिंह के रूप में है। रविंद्र सिंह 2020 के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी गिरिराज दंडोतिया को हराने में सफल हुए थे, वर्तमान में विधायक हैं, पर पहली सूची में उन्हें स्थान नहीं मिला था। पर दूसरी सूची जो आएगी उसमें रविंद्र सिंह का नाम मुरैना विधानसभा अंतर्गत दिमनी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी के तौर पर दिखाई देना चाहिए, इस उम्मीद के साथ में हम है। तो रविंद्र सिंह वो नाम है जिसे नरेंद्र सिंह के खिलाफ मैदान में उतारने के संदर्भ में पार्टी नतीजे पर पहुंची है। अधिकृत सूची का इंतजार करेंगे, लेकिन हमारी जानकारी ये बताती है कि नरेंद्र सिंह का मुकाबला रविंद्र सिंह से होगा। इस नतीजे पर कांग्रेस नेतृत्व पहुंच गया है। इसी के साथ लगी हुई सीट जो है अंबा विधानसभा क्षेत्र से पार्टी ने देवेंद्र राजनारायण सखवार, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, देवेंद्र राजनारायण सखवार को मैदान में उतारने के संदर्भ में फैसला लिया है। लेकिन सुमावली मुरैना विधानसभा क्षेत्र के संदर्भ में अभी भी कांग्रेस पार्टी नतीजे पर नहीं पहुंची है। हालांकि मंत्रणा का दौर आज भी जारी है, अगर इन नामों पे पार्टी नतीजे पे पहुंचेगी तो वो नाम सार्वजनिक हो जाएगा,
पर कल रात तक की बैठक में सुमावली के संदर्भ में और मुरैना विधानसभा क्षेत्र के संदर्भ में पार्टी नतीजा पर नहीं पहुंची। मजे की बात यह है कि इन दोनों सीटों पर कांग्रेस के विधायक हैं, अजब सिंह कुशवाहा और राकेश मावई, ये दोनों कांग्रेस के विधायक हैं, पर इनके संदर्भ में पार्टी अभी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। बिल्कुल सर, यस सर। सीट जिसके संदर्भ में हम बात करेंगे, वो सीट भी बड़ी महत्वपूर्ण है। वो गुना के रूप में है, गुना जो दिग्विजय सिंह का गृह जिला है, जहां के संदर्भ में वो अलग अलग टिप्पणी करते रहते हैं समय समय पर। उस गुना की सीट को भाजपा लगातार जीत रही है, गोपीलाल जाटव वहां से लगातार चुनाव जीतते आ रहे थे। उस गुना सीट के संदर्भ में पार्टी ने पंकज कनेरिया के नाम को चयनित किया है। वो नाम जो आपको गुना से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर दिखाई दे सकता है, वो नाम पंकज कनेरिया के संदर्भ में है। सकता है शब्द में इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस के संदर्भ में बैठक के बाद भी कभी नाम परिवर्तित हो जाए तो अचंभा नहीं होता है, पर कांग्रेस की बैठक में जिन नामों पर सहमति बनी है कल, तो उसके अंतर्गत पंकज कनेरिया वो नाम है जिस नाम पर पार्टी नतीजे पर पहुंची है। तो कुल मिला के रविंद्र सिंह दिमनी से, और जो दूसरा हमने नाम बताया था अम्बा क्षेत्र के संदर्भ में देवेंद्र राजनारायण सकवार, और तीसरा नाम जो गुना विधानसभा क्षेत्र है उससे पंकज कनेरिया आपको प्रत्याशी के तौर पर दिखाई देंगे। बिल्कुल सर। पर हम थोड़ा उल्टा भी चलते हैं, नहीं तो लोगों को लगेगा कि क्रम में हम चल रहे हैं सर। तो उल्टे क्रम में अगर चलते हैं तो एक नाम है जिसने अभी हाल ही में सिंधिया का साथ छोड़ा, भाजपा का साथ छोड़ा, कांग्रेस का दामन थामा, उस बागी को कांग्रेस ने गले लगाने का फैसला किया है, और वो नाम जो है उस नाम को आप इस सूची में देखेंगे नीतीश। तो वो नाम जो हम बता रहे हैं जिसने सिंधिया का साथ छोड़ा, जिसने भाजपा का साथ छोड़ा और कांग्रेस ने जिसको हाथों हाथ लेने का फैसला किया, वो नाम है जावद विधानसभा क्षेत्र के संदर्भ में समंदर पटेल का। तो समंदर पटेल जो बगावत कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी से, वो ओम प्रकाश सखलेजा को चुनौती देने के लिए मैदान में उतरेंगे कांग्रेस के टिकट पर। कांग्रेस समंदर पटेल को जावद विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतारने जा रही है। हम ये जो संभाव्य सूची बता रहे हैं उसके तहत जावद विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान में मंत्री ओम प्रकाश सखलेजा, जो बहुत बड़ी विरासत के उत्तराधिकारी है, वीरेंद्र कुमार सखलेजा के बेटे हैं, जो वीरेंद्र कुमार सखलेजा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके बेटे ओम प्रकाश सखलेजा के खिलाफ समंदर पटेल को पार्टी मैदान में उतारेगी। इस संदर्भ में कोई संशय की स्थिति नहीं है। समंदर पटेल वो चेहरा होंगे जो आपको ओम प्रकाश सखलेजा के खिलाफ अगर मैदान में कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर दिखाई दें तो आपको अचरज नहीं होना चाहिए। और इसी प्रकार से एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है गरोठ। गरोठ से भी कांग्रेस के एक बड़े नेता लंबे समय तक चुनाव जीतते रहे, पर पिछले समय चुनाव हार गए थे। नाम उनका सुभाष सोजतिया है, गरोठ विधानसभा क्षेत्र से वह एक बार फिर कांग्रेस के टिकट पर मैदान में उतरे हुए दिखाई देंगे। कांग्रेस पार्टी एक बार फिर सुभाष सोजतिया पर भरोसा कर रही है, सोजतिया पर मतदाता भरोसा करेंगे कि नहीं करेंगे ये सवाल है, क्योंकि पिछली बार मतदाताओं ने भरोसा नहीं किया था सुभाष सोजतिया पर। कांग्रेस अभी भी सुभाष सोजतिया को वरिष्ठ नेता है, मंत्री रहे हुए हैं, उन्हें एक बार फिर आजमाने का मन बनाई है। तो ये हमने पांचवा नाम अपने दर्शकों से साझा किया है जिसके अंतर्गत जावद से समंदर पटेल, और वहीं दूसरी और गरोठ विधानसभा क्षेत्र से ये मंदसौर नीमच इलाका है, वहां से सुभाष सोजतिया प्रत्याशी के तौर पर आपको दिखाई देंगे जी। सर क्या और भी कोई नाम है कि यही पांच नाम की हमारे पास जानकारी है? नहीं, इतना स्थितियां नहीं है नीतीश जी हमारी जी। हम चार दर्जन नामों के संदर्भ में बताए और कुल पांच नामों की जानकारी देके कहेंगे हमारे पास इतनी जानकारी हमारे पास इससे आगे है। हाँ। और वो विधानसभा क्षेत्र जिसके संदर्भ में हम अपने दर्शकों से जानकारी को साझा करना चाहेंगे, तो वो भी एक बड़ा नाम है हमारे पास में जिसके संदर्भ में पार्टी नतीजे पर पहुंची है, और वो विधानसभा क्षेत्र जो है सागर भी भाजपा का गढ़ है। सागर विधानसभा क्षेत्र से लगातार शैलेंद्र जैन भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतते हुए आ रहे हैं, एक प्रकार से गढ़ में तब्दील हो रखा है। तो सागर विधानसभा क्षेत्र से पार्टी निधि जैन को मैदान में उतारने का मन बनाई है। निधि जैन का नाम है जिसको पार्टी मैदान में उतारने का इरादा की है। तो सागर विधानसभा क्षेत्र से शैलेंद्र जैन के मुकाबले
निधि जैन मैदान में होंगी। इस नतीजे पर कांग्रेस हाईकमान पहुंचा है कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में, जिस नाम को अंजाम दिया गया है सागर विधानसभा क्षेत्र के संदर्भ में, वो नाम निधि जैन का है। इसी प्रकार से एक और महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है जिसने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को उपचुनाव में बहुत चौंकाया था, वो विधानसभा क्षेत्र था दमोह। दमोह विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के राहुल सिंह लोधी जयंत मलैया को हराकर चुनाव जीते थे 2018 में, पर 2020 में उनका हृदय परिवर्तन हुआ, उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, भाजपा का दामन थमा और फिर मैदान में उतरे। लेकिन दमोह के मतदाताओं को राहुल सिंह लोधी का ये कदम रास नहीं आया था और नतीजा ये हुआ कि राहुल सिंह लोधी उपचुनाव में शिकस्त खा गए। ये चुनाव जो जीतने में सफल हुए वो थे अजय टंडन। वो अजय टंडन एक बार फिर पार्टी नेतृत्व का भरोसा जीत पाने में कामयाब रहे हैं। तो अजय टंडन जो है वह एक बार फिर दमोह विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर मैदान में उतरेंगे। तो ये कुल मिलाकर पार्टी के स्तर पर फैसला है। तो सागर के संदर्भ में निधि जैन और सागर से लगा हुआ जिला है दमोह, तो दमोह विधानसभा क्षेत्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर मौजूदा विधायक अजय टंडन ही एक बार फिर मैदान में होंगे। यह फैसला कल की बैठक में कांग्रेस नेतृत्व का है। नतीजे में पहुंची है वो नाम अजय टंडन का है। कुल मिलाकर नामों की स्थिति है। इसी के अलावा एक नाम जो हमारे पास में और बड़ा चौंकाने वाला है, आपको बता दें, दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर के विरुद्ध रविंद्र सिंह, अंबाह से देवेंद्र राजनारायण सहवा, सुमावली से अभी तय नहीं हुआ है नाम, इसके साथ ही गुना से पंकज कन्हेरिया, जावत से समंदर पटेल जो कि ओम प्रकाश सकलेचा के विरुद्ध लड़ेंगे, गरोड़ से सुभाष सुजातिया, सागर से निधि जैन जो कि शैलेंद्र जैन का मुकाबला करेंगी, इसके साथ ही दमोह से अजय टंडन का नाम अभी तक कांग्रेस पार्टी ने तय कर लिया है। कभी भी दूसरी सूची आ सकती है, जिसे लेकर INS 24/7 आपके सामने सतत रूप से है। सबसे मुफीद समय में सबसे मुफीद व्यक्ति के साथ प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी, जो कि सतत रूप से हमें बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से सूची को लेकर खबर, और उस पर 100% मोहर लग रही है। हम एक बार फिर से सर का रुख करना चाहेंगे, और उससे पहले आप स्क्रीन पर यह नाम देख लीजिए, गुना से पंकज कनेरिया का नाम, मध्य प्रदेश की सियासत से यह सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं। कहीं मत जाइएगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हम फौरन वापस आते हैं अन्य जानकारियां लेकर।